आजि चलित वर्षर शेष सूर्यपराग आकाशे देखाजिव महाजागतिक दृश्य ओडिशारे केवल 20 मिनिट पई दृश्यमान हेबो ए छायालोर खेल भारत समेत अन्य किछि देशरे ए जागतिक दृश्य देखिबाकु मिलिबो। भारतरे ए पराग आंशिक भावे दृश्यमान हेबो। चलित वर्षर शेष सूर्यपराग अपराह्न 4:56 मिनिट 52 सेकेंड स्पर्श करिबाकु थिबा बेले संध्या 6:26 मिनिट 52 सेकेंड जाए रहिबो। विज्ञान मतरे सूर्यपराग एक महाजागतिक घटना होता बेले सेपटे पराग को नहीं हिंदू धर्म रही अनेक धर्मीय विश्वास जितेबाला सूर्य पृथ्वी मझे चंद्र अतिक्रम करें से समय कि समय पर सूर्य और पृथ्वी मध्य चंद्र एक सरल रेखा रही था। पृथ्वीर गोटे पार्श्व चंद्रर छाई पड़ता है ताकि सूर्यपराग कहुए। से सूर्यपराग को नहीं बहुत धर्मीय विश्वास रही है। ज्योतिर्विद मतरे पराग काल को अशुभ बोली विवेचना करा बेले समय देवपूजा पाक संपूर्ण निषेध। ज्योतिष शास्त्र अनुसार इस समय खाद्य उपर कटका थी बेले इन विज्ञानसम्मत कारण थोड़ा कहते वैज्ञानिक। ए संपर्क में आलोचना करने आम सहित रही महाकाश विज्ञान रही शुभेन्दु पट्टनायक रही सुत पट्टनायक आपको स्वागत करोचना को सुत पट्टनायक आज हूँ सूर्यपराग महाजागतिक दृश्य माने भारत में जहाँ सूचना रही कि 20 मिनिट पर मात्र देखा मिले विशेष प्रभाव भी नहीं भारत पर तो ठीक आमको कहतु ये चलित बर्षर ये जो शेष सूर्यपराग माने केमिति देखा जीवो केते बेले लोक माने देखि पारिबे पठाणी सामंत प्लानेटोरियम पक्षर एनी कौन व्यवस्था भी सब कर देखु जो सूर्यपरागटी घटो से सूर्यपरागटी आम प्रकृत आरंभ हम भारतीय समय 2:28 जो कि यूरोप अंचल आरंभ हम देखा धीरे धीरे से तौक आसव आम भारत उपर मुंडे जम्मू काश्मीर अंचल प्राय 4:50 तल को देखा आ जम्मू काश्मीर अंचल पाखापाखि सर्वाधिक 70% घोड़ेदब सूर्य चंद्र कि भुवनेश्वर देखा ओडिशा देखा सीटा प्राय 4:56 मिनिट आरंभ हम भुवनेश्वर मात्र 10% घोड़े हम सूर्य मानते मैं 10% घोड़े हो खंडिया सूर्य टी देखिपर से समय जोटा कि 4:56 रु 5:15 मिनिट 5:16 मिनिट पर्यटन देखा जितेबाला कि सूर्य अस्त हो पश्चिम दीपल निकट में सूर्य रही थोड़ा पूरा पूरी पूरा दीपल को छुई कि से ही समय ही आमको मात्र 20 मिनिट पर 10% घोड़े होता सूर्य देखा सूर्यपराग को केवे भी आप खाली आखिर देखते ना सूर्य को भी खाली आखिर देखा उचित नुह कारण सूर्य ठार आसवा रश्मि आम आखिरे क्षति बचार से सूर्यपराग देखापैंका विभिन्न प्रकार व्यवस्था रही जहाँ मध्यम सूर्यपराग को निरापद भाव से देखिपर पठाणी सामंत प्लानेटोरियम पक्षर कौन व्यवस्था कर सरकार देखते बहुत समय जिते एमती महाजागतिक दृश्य घटे से व्यवस्था कराए जो मैंने उत्सुक छात्र छात्री रुहतु जो मैंने ये महाजागतिक दृश्य छाई आलोर खेल देखा को मानने इच्छा करती से व्यवस्था भी कराए तो चलित थर यही शेष सूर्यपराग देखापी कौन व्यवस्था कर देखो जेहे सूर्यपराग टी मात्र 20 मिनिट पर 10% देखा पूरा पश्चिम दिग्बल लग रही तेनाली पठाणी सामंत प्लानेटोरियम रु दृश्य देखा संभवपर नुहे कह से सूर्य एत तौक चली जाइए से दूरवेक्षण यंत्र सीधा सड़क देखा संभव नु आम लोक मान सचेतन करा आकाश आज संपूर्ण भाव मेघ युक्त रे मेघुआ रोटा दिग्बल निकट निश्चिंत भाव मेघ सूर्य घोड़े मैंने जो मेघुआ रे प्रभाव सूर्यपराग जो रही सूर्यपराग सहित मेघर कौन संपर्क ना आम जो साइक्लोन होता जो आम छड़ी आकाश मेघुआ रूचना दी पापा विभाग पक्ष जेहे पूरा दिग्बल को लग कि रोच एकदम तले रश्चिम आकाश रेणु पश्चिम दिगर तेनालीटा को देखा मानते सीधा सड़क संभव ना कहीं जो जिन सीधा सड़क देखिपर ताको ही दूरवेक्षण यंत्र में देखे तेनाली लोक सचेतन कराऊ पराग विषय जनाऊ बहुत गुड़े मध्यम सीधा सड़क लाइव टेलीकास्ट हम जोठ की अधिक परिमाण में हूँ पराग आम तो ये मात्र 10% कि पृथ्वी अन्य जगह प्राय 80% पाखापाखि रही गोटे आंशिक सूर्यपराग भारत शीत पटनायक कौ जगह स्पष्ट भाव में जे देखिपर जमी आप कहले कि मात्र 10 मिनिट सर्वाधिक देखा जम्मू काश्मीर अंचल जोटा कि पाखापाखि 70% घोड़े आशा पाखापी प्राय 10 रु 11% घोड़े चंद्र आम सूर्यपराग देखा
ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁରା ଏକଦମ ଦିଗବଳୟ ଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଗବଳୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗବଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସାଧନ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ଯାହା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମି ଆମ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଏହି ଛାଇ ଆଲୋର ଖେଳକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।